अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये दुबई जाने का ये वाला फॉर्म आपको फिल करना होगा अगर आप दुबई जाना चाहते हो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, जो कि बिल्कुल ट्रस्टेबल एक एनजीओ है। इसके अगर आप इसके थ्रू जाते हो तो आपका एक रुपए का भी खर्चा नहीं होगा और एडवांस सैलरी आप हासिल कर सकोगे। इस फॉर्म को आपके सामने मैं फिल करूंगा और आपने भी इसी तरीके से फिल करना होगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है या मैट्रिक से कम है, उसके बावजूद भी आप लोग दुबई जा सकते हो और आपका एक रुपया भी खर्चा नहीं होगा। सारा खर्चा सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले करेंगे और ये एक एनजीओ है, सबने इसका नाम सुना हुआ होगा। कराची के अंदर इसकी सारी ब्रांचेस मौजूद हैं, इसके अलावा दूसरे शहरों के अंदर भी मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान से कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, जो किसी भी सिटी से मौजूद हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, इसमें कोई भी आपके पैसे नहीं लगेंगे, एक रुपये भी आपका नहीं लगने वाला है। सारा खर्चा जो होगा सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का होगा और आप सिंपल इस मेथड को फॉलो करोगे और आप भी दुबई बहुत ही आसानी जा सकोगे। दुबई जाने के बाद जो भी खर्चा होगा वो सारा इस एनजीओ का होगा, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का होगा और आपका आपकी जेब से एक रुपया भी खर्च होने वाला नहीं है। बिल्कुल फ्री वाला लेकर आया हूँ मेथड, ये सिंपल मेथड है, इसको आपने फॉलो करना है। जैसा जैसा बताऊंगा वैसा वैसा आपने करना है। अपना नाम डालना होगा, फादर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, CV को अपने आप पे अपलोड करना है, उसके बाद दोबारा से नाम डालना होगा और उसके बाद आपने साइन करना होगा। ये आपकी जो सारी डिटेल्स है ये सैलानी वालों के पास चले जाएगी, आपका नंबर भी चला जाएगा और आपकी ईमेल एड्रेस भी चली जाएगी, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे ईमेल एड्रेस पे। तो इसलिए ईमेल एड्रेस जो है वो आपने जेन्युइन डालना है, ऑथेंटिक डालना है, जो आपका अपना हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो तो आप डाल सकते हो, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी जो भी आपको लगता है, जिस पे आप 24 आवर्स अलर्ट रहते हो, वो आपने अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप एनजीओ के थ्रू जा रहे हो, आप डायरेक्टली विजिट वीज़ा पे नहीं जा रहे या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे नहीं जा रहे, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मैट्रिक से कम वाले लोग हों या 18 साल उनकी उम्र है तो उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रस्टेबल एक एनजीओ है और अगर आप इसके थ्रू जाते हो तो आपको कोई भी मसला नहीं होने वाला। हॉस्टल में रहोगे, खाना पीना रहना और हर चीज़ जो आपको मिलेगी वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से होगी और वो आपको कंपनी वाले पे करेंगे, लेकिन इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी के साथ, तो कंपनी के लिए आप लोग काम करोगे और कंपनी वाले ही आपको पैसे देंगे। सारा कुछ आपको कंपनी वाले देंगे, वीज़ा के साथ साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, अकोमोडेशन, वो सारा कुछ आपको कंपनी वाले प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उन कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वालों का होता है। तो इसलिए आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो लोग बिल्कुल बेरोज़गार हैं, जॉबलेस से परेशान हैं, मुसीबत में हैं, रुकावट में हैं, कोई जॉब्स उन्होंने नहीं करी हुई पहले, तो वो लोग भी चांस ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, 6 महीने का हो, किसी भी फील्ड का हो, मार्ट का हो तो वैलेंट कोड है, मार्ट वगैरह जो होते हैं, हाइपर स्टार हो गया, लक्की वन हो गया कराची के अंदर, इसके अलावा लाहौर में लम्स है, बहुत सारी जगह है, तो आप लोग इससे खुद आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपने सुपर मार्ट में या छोटे मोटे मार्ट में अगर जॉब करी हुई है तो इट्स अ वेल एंड गुड। CV पर लाजमी मैंशन करें, नहीं है तो फिर भी ट्राई करें, फ्रेश भी यहाँ पर लिए जाएंगे, सारे एक्सपीरियंस वाले बंदे नहीं चाहिए, फ्रेश बंदे भी यहाँ पर लिए जाएंगे। तो जो लोग बिल्कुल परेशान हैं, बाहर जाना चाहते हैं और वीज़ा के भी पैसे नहीं है, तो वो लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। एक और एक अच्छी चीज़ बता दूं कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट के बिना आप लोग जा नहीं सकते, सफ़र नहीं कर सकते, तो वो पासपोर्ट भी आपको सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले बना के देंगे प्रॉपर, उसके बाद आपको दुबई भेजेंगे और वहाँ पे जॉब देंगे और एडवांस सैलरी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और सारा हॉस्टल का खर्चा, खाना पीना, ट्रैवल, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। फर्स्ट डे से हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग ना हो, लेकिन 1 हफ्ता, 3 दिन, 4 दिन, जितने भी दिन आप हॉस्टल में रहोगे, वो सारा खर्चा इस एनजीओ का होगा, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का होगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप इनके पेज पे जाके, इनके चैनल पे जाके वीडियोस प्रॉपर आप देख सकते हो, इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, फेसबुक पेज पे भी सब कुछ डिटेल लिखी हुई है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इस फॉर्म, जो फॉर्म आपके सामने मैं फिल कर रहा हूँ, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी दूंगा, आपने सिर्फ क्लिक करना है, आप इस पर आ जाओगे, इनकी अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट पर आ जाओगे, किसी मैं दूसरी वेबसाइट पर नहीं भेज रहा हूँ, इनकी अपनी जो वेबसाइट आप उसी पर आओगे और वहीं से आप लोग अप्लाई करोगे, क्योंकि ये एक पोर्टल जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने वाला हूं, ये एक प्रोफेशनल पोर्टल है जिस पे आप लोग ने अप्लाई करना है और आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। स्क्रीन पे मैंने सारी डिटेल्स लिख रहा हूं, जिस लड़के का मैं अप्लाई कर रहा हूं आप लोग भी देख सकते हो और आप अपना अप्लाई कर सकते हो, अपने जानने वाले का कर सकते हो, अपने दोस्तों का कर सकते हो। जो लोग इंटरेस्टेड है बाहर जाने में और जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं और वहां पे अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं, फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे आपका 2 साल का या 1 साल का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा। अगर आप जॉब करना चाहते हो, कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो आप रिन्यू कर सकते हो। अगर आप वापस अपनी कंट्री आना चाहते हो तो वापस कंट्री आ जाओ। तो ये सहूलत भी है, ऐसा नहीं कि वहाँ जाने के बाद आप बॉन्ड हो गए, वापस आप नहीं आ सकते, तो वापस आप आ सकते हो। इसके अलावा इस फॉर्म को फिल करने के साथ साथ मैं नीचे एड्रेस भी दे रहा हूँ, नंबर भी दे रहा हूँ, और इनका ईमेल एड्रेस भी दे रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो इनसे कॉन्टैक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो लिंक वह नीचे डिस्क्रिप्शन